आज हम इस वीडियो में इन्वर्टर एसी को नॉर्मल एसी में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी दो तरह के एसी होता है, एक नॉर्मल एसी होता है, एक इन्वर्टर एसी होता है। तो इन्वर्टर एसी को नॉर्मल एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या पार्ट चेंज करना पड़ता है और उसको किस तरह करना पड़ता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल एसी में पार्ट्स कम होता है और मेंटेनेंस खर्चा बहुत कम होता है, और इन्वर्टर एसी में पार्ट ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा होता है। इसके वजह से इन्वर्टर एसी में बार बार कंप्रेसर या उसका पीसीबी, जो आउटडोर पीसीबी है, उस पर ज़्यादा घड़ी घड़ी प्रॉब्लम आता है, तो उसको नॉर्मल एसी में कन्वर्ट कर लेने से अच्छा होता है। तो उसी चीज़ को आज हम करेंगे और देखेंगे। जैसे देख पा रहे हो, इसका जो आउटडोर है उसका जितना भी पार्ट है, उसका वायरिंग बॉक्स है, डीसी रिएक्टर जो है वो, और उसका उसका बॉक्स और हीटिंग का जो सिस्टम है, फोर ए वाल्व वा जिसको रिवर्स वाल्व बोलते हैं, इसको सब अलग कर दिया हूँ। उसका कंप्रेसर भी अलग कर दिया हूँ, क्योंकि इस पर हम लोग नॉर्मल कंप्रेसर बिठाएंगे। ये 2 टन का ब्लूस्टर का मशीन है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको नॉर्मल कंप्रेसर बिठाने के लिए इसका जो आउटडोर पीसीबी है वो कोई काम नहीं लाएगा, और फोर वे वाल्व आप काम पे ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पीसीबी बिठाएंगे उस पर हीटिंग बोर्ड सिस्टम नहीं है, इसके लिए फोर वे वाल्व को भी इसको अलग कर दिया हूँ। तो हम लोग इसको कंप्रेसर भी निकाल दिया हूँ, और इसका जितना सारे बैंड है वो हम लोग काम पर लेंगे, क्योंकि इसका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उसका साइज थोड़ा छोटा है, और नॉर्मल कंप्रेसर है, ये 2 टन का मशीन है ब्लूस्टर का, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उसकी जगह पे हम लोग ये जीएमसीसी का 2 टन का कंप्रेसर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए वो वैन हम लोग लेंगे, और जो वैन काम पे नहीं आएगा तो उसको एक्स्ट्रा वैन बनाएंगे पाइप के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर को बिठा देंगे, और उसका जितना भी बैंड है, जैसे पाइपलाइन हम लोग खोल के रखा है, जैसे देख रहे हो ये मोटा वाला जो है ये डिस्चार्ज लाइन है। ये मोटा क्यों है? क्योंकि इस पर कंडेंसर जो है 3 पार्ट पे डिवाइड करा हुआ है, और ये मोटा पाइप के साथ 3 पार्ट अलग अलग कनेक्ट हुआ है। तो इसके लिए इसका जो पाइप है ये हाफ का है, और डिस्चार्ज पाइप जो है वो 3/8 का है। जैसे हम लोगों का कंप्रेसर बैठ गया है, इसका कंप्रेसर का जो साइज़ है बड़ा है, इसके लिए कंडेंसर का जो फैन है और कंप्रेसर के बीच में जो जीआई सीट का पार्टीशन करा हुआ था उसको निकाल दिया हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो वाइब्रेट की वजह से आवाज़ होने का संभावना कम रहेगा। कंप्रेसर बिठाने के बाद इसका जो पाइपिंग का बैंड है उसको सबसे पहले बना लेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हो ऐसे बना लिया हूँ, सक्शन लाइन का यू बैंड दिया हूँ। सक्शन लाइन का यू बैंड क्यों दिया जाता है? इसके एक्यूमुलेटर होता है, फिर भी इसका लिक्विड फॉर्म का जो गैस है ये डायरेक्ट कंप्रेसर पे नहीं जाए, इसके लिए इसका बैंड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसका बैंड को जो है सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि सक्शन पाइप का जो बैंड पुराना वाला कंप्रेसर में नहीं था, इसके लिए ये बनाना पड़ा। और डिस्चार्ज लाइन का जो बैंड है वो 4 वे वाल्व का सर जो कनेक्ट था उसको हम काम पर ले लेंगे। तो बैंड थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि अंदर जगह कम हो जाता है, मतलब कंप्रेसर का साइज़ बड़ा हो गया है तो जगह कम हो जाएगा, इसके लिए वाइब्रेट का आवाज़ हो सकता है, इसके लिए जितना कम कर सकते हैं उससे अच्छा है। तो हम लोग यू बैंड ऐसे ही नॉर्मली बनाया हूँ, तो इसको हम लोग सेटिंग कर लेंगे सक्शन लाइन के साथ। ये एक साइड एक्यूमुलेटर पर लगेगा, और दूसरा साइड जो है इसका जो वाल्व पे जाता है, सक्शन वाल्व पे उसके साथ कनेक्ट होगा। जो सक्शन वाल्व का स्विचिंग कर रहा हूँ तो उसका थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसको इजी चला जाएगा तो ज्वाइन करने में आसानी होगा। जैसे पाइप हम लोगों का रेडी हो गया है, और डिस्चार्ज लाइन पहले से रेडी था, मतलब उसका बैंड तो बना हुआ है, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ा है, वो डिस्चार्ज लाइन के साथ कनेक्ट हो गया है। डिस्चार्ज लाइन जो है वो हाफ का और 5/8 का जॉइंट है, मतलब एक साथ कनेक्ट है। पहले ही बोला हूँ कंडेंसर 3 पार्ट पे डिवाइड है, इसके लिए उसका पाइप मोटा लगा हुआ है। तो हम लोगों का कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है वो रेडी हो गया, डिस्चार्ज लाइन भी रेडी हो गया है। अभी हम लोगों का काम है इसका सोल्डरिंग करना। सोल्डरिंग करने के लिए आप जब भी इसको सोल्डरिंग करेंगे, मतलब कॉपर पाइप जब भी सोल्डरिंग कर देंगे, तो हीट ज़्यादा होना चाहिए और जितना जल्दी कर सकते हैं सबसे अच्छा है, क्योंकि जो भी अब बत्ती से ऑक्सीजन से जो भी आप वेल्डिंग करेंगे हीट की वजह से कॉपर का अंदर
डस्ट बनता है तो वो कंप्रेसर में चला जाएगा या पाइप में रह जाएगा। तो इससे इसके लिए नाइट्रोजन फ्लश करना पड़ता है। तो इसके लिए जल्दी जितना जल्दी होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर वाला जो सक्शन पाइप है इसको ओइलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज कंप्रेसर का जो हेड है वो डिस्चार्ज लाइन वो ओइलिंग करेंगे। अब डिस्चार्ज सक्शन लाइन जो है वो ईजी हो जाता है, और डिस्चार्ज लाइन थोड़ा मोटा होता है और छोटा है, जगह छोटा होता है तो वो टाइम लग जाता है। तो आप टर्मिनल की जगह भीगा कपड़ा भी लग सकते हैं और उसको ओपन बत्ती से कर सकते हैं तो हीट कम लगेगा। तो हम लोग नॉर्मली इसको ओइलिंग कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो ओइलिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग कंडेंसर साइड का जो दो पाइप होता है, एक डिस्चार्ज लाइन और दूसरा जो सक्शन लाइन जो सक्शन वाल्व के साथ जाता है वो पाइप ओइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले सक्शन लाइन को ऑयलिंग कर लेते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन करेंगे, उसके बाद कंडेंसर साइड ऑयलिंग करेंगे। जैसे हम लोगों का सक्शन लाइन ऑयलिंग हो गया है, अभी हम लोग डिस्चार्ज लाइन ऑयलिंग करेंगे। डिस्चार्ज लाइन को जगह खुला जगह है, इसके लिए कपड़ा नहीं लगाया हूँ और हीट भी नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग ऐसे ओपन इसको ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग करने के टाइम ध्यान रखना कि हीट आपका जो आउटडोर जो फैन है उस पर नहीं लगे, तो इसका जो फैन ब्लेड है ये ख़राब होने का चांस रह जाता है। आउटडोर का फ़ैन चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि आउटडोर का जो फ़ैन है वो डीसी नहीं है, एसी है, तो उसी फ़ैन को हम लोग रहने दिया। मतलब इस पर इसका जो पीसीबी है वो चेंज हुआ है, और मतलब चेंज हुआ है मतलब एकदम कैंसिल हो गया है क्योंकि पीसीबी का काम नहीं है, नॉर्मल एसी लगाया है। इस पर खाली कैपेसिटर का कनेक्शन होगा और इसका कंप्रेसर जो है कंप्रेसर को भी चेंज कर दिया हूँ। क्यों चेंज करना पड़ता है, मतलब इन्वर्टर एसी को क्यों आप नॉर्मल एसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब आपके इन्वर्टर एसी में घड़ी घड़ी कंप्रेसर में या पीसीबी में प्रॉब्लम आता है तो उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए तो हम लोगों का ऑयलिंग हो गया, अभी इंडोर का जो पीसीबी है नॉर्मल पीसीबी लगाया हूँ, मतलब इंडोर का फ़ैन और आउटडोर का सप्लाई के लिए लाइन जाएगा। इस पर फेज न्यूट्रल इनपुट होता है और आउटपुट के लिए न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है, और रिले से सीपी लाइन जो बोलते हैं कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए आउटडोर पे सीपी से लाइन जाता है। और पीसीबी में तीन चार पॉइंट बना होता है वो अलग अलग फ़ैन के लिए, मतलब कोई कई कंपनी का, अब जिस पे सेट हो जाएगा वो अच्छा है। जैसे आप लोगों का जो आउटडोर है इसको कंप्लीट कर दिया हूँ, तो मतलब इसको वेल्डिंग करना खाली काम था, तो कंप्रेसर बिठा के इसको वेल्डिंग कर दिया हूँ। अभी इसको बॉक्स जो है मतलब आउटडोर का जो कवर है वो खोल दिया हूँ, आप देख पा रहे हो इस पर कुछ नहीं है, खाली आउटडोर फैन कंडेंसर और कंप्रेसर है, मतलब पूरा नॉर्मल एसी बन गया है। पहले क्या था, इस पर आउटडोर में एक सर्किट था तो उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि नॉर्मल एसी बनाया हो। इस पर नॉर्मल एसी में कंडेंसर फैन कंडेंसर और कंप्रेसर होता है, और उसको चलाने के लिए कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर होता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, उसका पीसीबी होता है, मतलब कंप्रेसर जो होता है वो वेरिएबल कंप्रेसर होता है, इसके लिए उसको पीसीबी का ज़रूरत पड़ता है। तो पीसीबी हम लोग उसको निकाल दिए और उसको नॉर्मल कंप्रेसर बिठाया हूँ। तो पीसीबी कंप्रेसर का जो टर्मिनल है उसको हम लोगों का गलती हो गया है, पहले उसको थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए था, लेकिन साफ़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साफ़ कर लेने से उसका लूज कॉन्टैक्ट होने का चांस नहीं रहेगा, तो उसको साफ़ करके फिर लगाएंगे। तो इसको जब आप बॉक्स लगाने से पहले कर लेने से सबसे अच्छा होता। जैसे आउटडोर हम लोग लग गया है, जैसे देख पा रहे हो आउटडोर हम लोग स्टैंड पे बिठा दिया हूँ, क्योंकि स्टैंड पाइपलाइन कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि इस पर सिस्टम लगा हुआ था, खाली हम लोग कंप्रेसर चेंज किया है। उसमें इसका वायरिंग जैसे हो गया, देखो रेड वायर फेज है और ब्लैक वायर न्यूट्रल है, और पतला वाला जो व्हाइट वायर और ब्लैक वायर वो आउटडोर फैन के लिए है। तो आउटडोर को हम लोग वैक्यूम पे बिठा दिया हूँ। आउटडोर वैक्यूम करने के लिए आपको सक्शन लाइन बंद करके रखना पड़ेगा और डिस्चार्ज लाइन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन के साथ डायरेक्ट कंडेंसर का कनेक्शन ज़्यादा होता है, कंडेंसर का जो पाइपिंग है पूरा कंडेंसर वैक्यूम हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम लोग कंडेंसर को सबसे पहले वैक्यूम कर लेंगे। जैसे सक्शन लाइन अभी बंद है तो हम लोगों का कंडेंसर जो सिस्टम है वो वैक्यूम हो गया, अभी पाइपलाइन कनेक्शन करेंगे, फिर हम लोग इसको और एक बार वैक्यूम पे बिठाएंगे पाइपलाइन और इंडोर को वैक्यूम के लिए। तो पहले पाइपलाइन को जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन है उसका नाट लगा लेंगे, फिर इसको वैक्यूम करेंगे, लेकिन वैक्यूम करने के लिए उसका डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों को बंद ही रखेंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि कंडेंसर पहले से वैक्यूम करा हुआ है तो उसका इंडोर और पाइपलाइन जो है वो वैक्यूम होगा।
वैक्यूम करने के लिए आपका जो चार्जिंग लाइन है सक्शन पोर्ट के साथ डायरेक्ट गेज के जो नीचे का जो पॉइंट है मतलब डायरेक्ट गेज पे जो शो करता है उसके साथ कनेक्ट होगा। जैसे ये वाला पाइप गेज के नीचे के पॉइंट पे आया मतलब गेज पे डायरेक्ट शो करेगा, गैस देने से या वैक्यूम होने से डायरेक्ट दिखाएगा, और गेज का जो लेफ्ट साइड का चार्जिंग लाइन वो डायरेक्ट वैक्यूम पंप पे जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका कि गेज का जो वाल्व है इसको ओपन करने से सक्शन लाइन से ये गैस एयर जो भी है इससे निकल आएगा, वैक्यूम होगा, आप उसी तरह उसको गैस भी दे सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों का वैक्यूम तो हो गया है, अभी और थोड़ा टाइम करेंगे इसको। वैक्यूम जितना ज़्यादा देर तक करेंगे उतना ही अच्छा है, मतलब वैक्यूम अच्छा होगा तो आपका गैस का जो क्वांटिटी है वो कम हो यूज़ होगा और कूलिंग भी परफेक्ट आएगा, क्योंकि ऑयल के साथ जो मॉलिक्यूल होता है वो बाहर आ जाता है। तो आपका क्योंकि पुराना वाला सिस्टम है, पाइप लाइन हम लोग चेंज नहीं किया हूँ, तो इसके लिए लॉन्ग टाइम इसको वैक्यूम करेंगे तो ऑयल के साथ जो मॉलिक्यूल हो इसका मिक्स हो जाता है तो वो अलग हो जाएगा, तो कूलिंग में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हम लोगों का वैक्यूम का सिस्टम कम्प्लीट हो गया है, अभी हम लोग गैस देंगे तो जो चार्जिंग लाइन वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट था उस पर बटला पे लगाया हूँ, और बटला को हम उल्टा भी कर सकते हैं या सीधा करके भी डाल सकते हैं क्योंकि मशीन बंद है। अभी ये 22 नंबर गैस जो होता है वो गैस यूज़ हो रहा है इस पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा गैस देंगे इस पर और मशीन को चालू करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से इसको चालू करके देख लेने से अच्छा होता था लेकिन चालू नहीं किया था, इसके लिए थोड़ा सा गैस देके इसको चालू करेंगे। और जब चालू हो जाएगा मशीन तब अब गैस का जो टैंकी है उसको सीधा करके गैस देंगे, भेपारे गैस देंगे, क्योंकि 22 का जो गैस होता है वो वेपराइज कंप्रेसर होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आप गैस देंगे तो डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर ख़राब होने का संभावना हो सकता है। तो जैसे देखो मीटर पे 0.3 एम्पेयर ले रहा है, मतलब इंडोर चल रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल लाइन पे मीटर लगा हुआ है तो इसके लिए इंडोर चल रहा है ऐसे पता चल रहा है। अब ये फेस पे लगाते थे तो ये पता नहीं चलता, तो थोड़ा वेट करते हैं, आउटडोर चलने देते हैं, तब तक बाटला को हम लोग सीधा कर देते हैं, बटला गिर जाएगा इसको थोड़ा सुला देते हैं। इसको वेपर गैस देंगे हम लोग, लिक्विड में नहीं देंगे क्योंकि सिस्टम चालू हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकता है। जैसे मशीन चालू हो गया है अभी हम लोग इस पर धीरे धीरे गैस देंगे और इसका वेट करके देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो रहा है कि नहीं, और फिर जितना होगा उस हिसाब से गैस देंगे। 22 गैस का जो सिस्टम है 33 वातावरण का जो टेम्परेचर है उसके साथ 33 ऐड करके जितना होगा उसी हिसाब से इस पर गैस देंगे। तो थोड़ा देर चलने देते हैं फिर देखते हैं इसका, जैसे देखो डिजिटल लाइन पर आइस आ गया है, मतलब पता चल रहा है कि सिस्टम में गैस कम है, तो हम लोग और थोड़ा गैस देंगे। जैसे गैस दिया हूँ तो इसका आइस चला गया, तो इसी तरह इसको थोड़ा चलने देंगे फिर और गैस देंगे। ऐसे करते करते 22 नंबर का जो सिस्टम है ये 60 से 70 के अंदर होना चाहिए, अब आपका एरिया और गैस मशीन का परफॉर्मेंस के हिसाब से दे सकते हैं आप। जैसे देखो इस पर 55 बैक प्रेशर है इस पर, और इसका जो कूलिंग का सिस्टम एम्पेयर जो है पहले 7.5 ले रहा था, अब 8.9 के आसपास ले रहा था, और इसका सक्शन लाइन का जो स्वेटिंग है देखो एकदम परफेक्ट है, मतलब हेवी कूलिंग आ रहा है। इस तरह आप इन्वर्टर एसी को नॉर्मल एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।